नवराष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण शिक्षणाला तंत्रज्ञानाशी जोडेल आणि शिक्षणात बहुशाखीय दृष्टिकोन विकसित करण्यास सहाय्यभूत ठरेल असं प्रतिपादन नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे पंतप्रधानांनी आज आय आय टी गुवाहाटीच्या दीक्षांत समारंभाला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित केलं त्यावेळी ते बोलत होते राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात देशाचं शिक्षण क्षेत्र अधिक खुलं करण्याचा विचार आहे परदेशी विद्यापीठांची केंद्र आपल्या देशात सुरू व्हावीत आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना देशात जगाची खिडकी खुली व्हावी हेही एक उद्दिष्ट असल्याचं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले भारतीय या आणि जागतिक संस्थांमध्ये संशोधन समन्वय आणि आदान प्रदानाला चालना दिली जाईल असं त्यांनी सांगितलं देशातील संशोधन संस्कृती समृद्ध करण्याचा प्रस्तावही या नव्या धोरणात असल्याचं ते यावेळी म्हणाले पॉलिसी हमारे 21वीं सदी के आप जैसे युवाओं के लिए ही है वो युवा जो वर्ल्ड को लीड करेगा साइंस और टेक्नोलॉजी में भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगा इतना ही नहीं इस एजुकेशन पॉलिसी में तमाम ऐसी बातें हैं जो आप जैसे छात्रों की बीच लिस्ट में सबसे ऊपर थी साथियों मुझे विश्वास है कि अपनी एजुकेशन की जर्नी में आपने महसूस किया है कि शिक्षा और परीक्षा हमारे स्टूडेंट्स के लिए बर्डन नहीं बने स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया गया है सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे तुम्हार सारखे युवक काय विचार करता देशाच भविष्य अवलंबून है पंप्रधान कोरोनाच्या कठीण परिस्थितीत आयआयटी गुवाहाटीनं केलेल्या कामाचं त्यांनी कौतुक का केलं